गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इस मॉर्निंग की क्लास में यूनिट 4 और 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो हमने कल की क्लास में बातें की थी। देखो, यह एमजीसी यूनिवर्सिटी बीकानेर द्वारा जो बीएससी फाइनल ईयर एग्जाम 2020 है उसके लास्ट पेपर, जो बीएससी का जो लास्ट पेपर है अपना फिजिक्स थर्ड का, जो 7 अक्टूबर को यानी कि कल मॉर्निंग में होगा 7 से 9 बजे के बीच में। पेपर का क्या नाम है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स या डिवाइसेज। तो उसके सेक्शन बी और सी की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। हमने कल की क्लास में यूनिट 1, 2 और 3 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पॉइंटेड किया था। यदि किसी विद्यार्थी ने वो सवाल नहीं देखे हैं, वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक दिया गया है, वहां पे वो क्लासे देख सकते हो। और यहाँ पे हम यूनिट 4 और 5 की बात करेंगे। यहाँ पे उन 4 और 5 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पॉइंटेड करने की कोशिशें करेंगे। तो देखो, चलो अपन 4 और 5 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। और सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहूंगा कि ये जो प्रश्न है, डिस्क्रिप्शन में आप कल की क्लास देख सकते हो और आज की क्लास के जो मोस्ट प्रश्न है, ये आपके पास जो भी 1 वीक है, नोट्स है या गाइड है, उनमें एक बार जरूर देखें। परीक्षा की दृष्टि से इनके 99% चांस है आने के, तो आप जरूर देखें। तो देखो, मैं यहां बात करूंगा यूनिट 4 की। यूनिट 4 का पहला प्रश्न है, आरसी युग्मित ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का परिपथ चित्र बनाइए। इसके लिए निम्न व मध्य आवृत्ति फ्रीक्वेंसी प्रास रेंज में वोल्टता लाभ का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी आपको समीकरण ड्राइव करनी है, आरसी में ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का परिपथ चित्र बनाइए और इसके लिए निम्न व मध्य आवृत्ति प्रास में वोल्टता लाभ का व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर बात आती है दूसरे क्वेश्चन की। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर क्या है? एक ऑपरेशन एम्पलीफायर की अवकलन तथा समाकलन के रूपों में उपयोगिता समझाइए। यानी कि जो इनका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जो रूप है वो आपको यहां बताना है और इसके प्रमुख गुण कह दो या लक्षण कह दो। कई नोट्स में कई टीचर्स उनको लक्षण के नाम से डिफाइन करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, कई उनके प्रॉपर्टीज गुण के नाम से व्यक्त करते हैं। तो आप किसी भी चीज एक ही है। फिर अगली बात आती है तीसरा, एक प्रवर्धक का सामान्य कार्यकारी
सिद्धांत क्या है? निवेशी विभव के चक्र के आधार पर प्रवर्तकों के विभाजन को समझाइए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसी ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का विश्लेषण कर धारा लाभ व वोल्टता लाभ के व्यंजक एच प्राचलों के रूप में प्राप्त कीजिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, आर सी युग्मित प्रवर्धक की क्रियाविधि समझाइए। तो ये अपने यूनिट 4 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको पॉइंटेड करने की कोशिश की गई है। देखो इसके अंदर पहला सवाल है, आरसी में ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का परिपथ चित्र बनाइए। इसके लिए निम्न व मध्य आवर्ती प्रास में वोल्टता लाभ का व्यंजक प्राप्त कीजिए। दूसरा ओपीएम्प यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की अवकलन तथा समाकलन के रूप में उपयोगिता समझाइए। यहाँ पे आपको इसका अवकलन और समाकलन का जो डेरिवेशन रूप है और इनके जो डायग्राम है वो आपको समझाने होते हैं। इसके प्रमुख गुण या लक्षण लिखिए इसके ऑपरेशन एम्पलीफायर के। तीसरा, एक प्रवर्धक का सामान्य कार्यकारी सिद्धांत क्या है, निवेशी विभव के चक्र के आधार पर प्रवर्धकों के विभाजन को समझाइए कि प्रवर्धक कौन कौन से होते हैं, क्या इनका विभाजन। चौथा, किसी ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का विश्लेषण कर धारा लाभ और वोल्टता लाभ के व्यंजक एच प्राचलों के रूप में प्राप्त कीजिए। पांचवा, आर सी युग्मित प्रवर्धक की क्रियाविधि समझाइए। तो फ्रेंड्स ये अपने यूनिट 4 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे और मैं कहता हूं इनके आने के 99% चांस है। आप अपनी वन वीक है, गाइड है, जो भी है आपके पास परीक्षा उपयोगी सामग्री, उनमें एक बार अवश्य देखे। अब बात करते हैं अपन यूनिट 5 की। यूनिट 5 पहला क्वेश्चन है, कॉलपिट दोलित्र का परिपथ अब बात करते हैं यूनिट 5 पहला क्वेश्चन है, कॉलपिट दोलित्र का परिपथ चित्र बनाकर इसकी
कार्य प्रणाली समझाइए। इसमें दोलन की आवृत्ति के लिए आवश्यक सूत्र ज्ञात कीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है, हार्टले दोलित्र की कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन है, ऋणात्मक पुनर्भरण का प्रवर्धक के वोल्टता लाभ व अरेखीय विरूपण पर प्रभाव क्या है समझाइए। फिर इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दोलित्र की बार्क हाउस मानक शर्त का विवेचन कीजिए। यहां ध्यान रखना, गणितीय विवेचन करना होता है। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ, ट्रांजिस्टर का साधारण दोलित्र परिपथ का चित्र बनाकर दोलित्र के सिद्धांत को समझाइए। तो स्टूडेंट्स, ये अपने यूनिट 5 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। देखो मैं एक बार रिपीट करता हूं, यूनिट 5 का पहला प्रश्न है, कॉल्पिट दोलित्र का परिपथ चित्र बनाकर इसकी कार्य प्रणाली समझाइए, इसमें दोलन की आवृत्ति के लिए आवश्यक सूत्र ज्ञात कीजिए। फिर दूसरा प्रश्न है, हार्टले दोलित्र की कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए, यानी कि प्रश्न वैसा का वैसा ही आ सकता है, एक नंबर की तरह इसके लिए भी सिर्फ दोलित्र का नाम चेंज होता है, लेकिन ये भी आ सकता है, तो ये ध्यान रखें। ऋणात्मक पुनर्भरण का प्रवर्धन, प्रवर्धक के वोल्टता लाभ, अरेखीय विरूपण प्रभाव क्या है समझाइए। फिर दोलित्र की बार्क हाउसन मानक शर्त का विवेचन कीजिए, यहाँ पे इसकी गणितीय विवेचन करना होता है, मैथमेटिकल डिस्कशन करना है आपको, एक लाइन में नहीं लिखना है, जो एक पेज में डेरिवेशन है वो करना है। फिर पांचवा, ट्रांजिस्टर का साधारण दोलित्र परिपथ का चित्र बनाकर दोलित्र के सिद्धांत को समझाइए। तो फ्रेंड्स, ये अपने यूनिटों के थे, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट की बात कर की आपने यहाँ क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और यूनिट फर्स्ट सेकंड और थर्ड की बात हमने कल की थी, जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके वो क्लास है देख सकते हो। और रही बात शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की, तो उनके सेक्शन ए के जो अपने 10 क्वेश्चन आते हैं उनके लिए आज शाम को हम क्लास लगाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों को, और तब तक आप पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।